एडमिशन के सारे सम तो हमने अपलोड कर दिए, ठीक है, अनसॉल्व वाले, सॉल्व वाले तो आप देख के कर ही सकते हो, है ना। और आज अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, ऑब्जेक्टिव्स देखो। अभी पहला क्या है, राइट वर्ड टर्म और फ्रेज विच कैन सब्स्टिट्यूट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, ध्यान दो। अभी पहला क्या है, द अकाउंट विच शोज चेंज इन द वैल्यूज ऑफ एसेट्स, ऐसा अकाउंट रिवैल्यू एडमिशन और पार्टनर हम लोग कौन सा अकाउंट बनाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट। उसका दूसरा नाम क्या बताया था मैंने, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट बताया था, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है। अच्छा, क्रेडिट बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन का क्रेडिट साइड का अगर टोटल ज़्यादा होएगा तो रिवैल्यूएशन कौन सा अकाउंट है वो बताओ पहले, नॉमिनल अकाउंट है। क्रेडिट साइड का ज़्यादा होगा मतलब इनकम ज़्यादा है, और इनकम ज़्यादा होगा किससे, एक्सपेंस से, तो क्या होगा, प्रॉफिट, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। तो अगर डेबिट बैलेंस होगा रिवैल्यूएशन का तो क्या हो जाएगा, लॉस, ठीक है। एनपीओ में भी बताया था कि अगर एक्सपेंडिचर का टोटल ज़्यादा होगा, डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा होगा तो क्या होगा, लॉस होएगा, मतलब डेफिसिट होएगा, और क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा होएगा तो क्या होएगा, सरप्लस होएगा। वो एनपीओ में था। कोई भी नॉमिनल अकाउंट अगर है ना, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस नॉमिनल अकाउंट है, रियलाइजेशन नॉमिनल अकाउंट है, रिजोल्यूशन में रियलाइजेशन बनता है ना, ठीक है, और इसमें क्या बनता है, एडमिशन में, रिटायरमेंट में क्या बनता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये सब जितने भी अकाउंट्स है ना, ये सब क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। अगर डेबिट साइड का ज़्यादा है तो लॉस, और क्रेडिट साइड का ज़्यादा है तो प्रॉफिट। खाली एनपीओ में याद रखो, एनपीओ में क्या होता है, सरप्लस डेफिसिट होता है, वो याद रखो। अगर लॉस लिखोगे तो रॉन्ग हो जाएगा एनपीओ में, ठीक है। तो फिलहाल अभी आगे अगला है, द प्रपोर्शन इन विच ओल्ड पार्टनर्स मेक अ सेक्रीफाइस। प्रपोर्शन बताओ जिसमें ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं, सेक्रीफाइस रेशियो। प्रपोर्शन मतलब क्या होता है, रेशियो ना। तो ओल्ड पार्टनर्स कौन से रेशियो में सेक्रीफाइस करते हैं, सेक्रीफाइस रेशियो में क्या करते हैं, सेक्रीफाइस। तो इसका क्या होगा, रेशियो ऑफ सेक्रीफाइस या फिर सेक्रीफाइस रेशियो लिखोगे तो भी चलेगा। अगला, एक्सेस ऑफ एक्चुअल कैपिटल ओवर प्रपोर्शनेट कैपिटल। एक्सेस मतलब क्या होता है, ज़्यादा। मालूम है कैपिटलाइजेशन का केस किया था हम लोगों ने, याद आ रहा है कि नहीं, कैपिटल एडजस्टमेंट का केस नहीं याद आ रहा है, ठीक है, अब भी तीन दिन पहले ही पढ़ा है। क्या, जब नया पार्टनर आता है तो उसके कैपिटल को हम लोग क्या लेते हैं, बेस। बताया भी था ना कि अगर एक दो पार्टनर, समझो मैं और आप पार्टनर है, मेरा रेशियो दो है और आपका रेशियो क्या है, एक है, तो मैं कितना कैपिटल लेके आऊँगा, अगर दस तो आप कितना लेके आओगे, पाँच, है ना। क्यों, क्योंकि मेरा रेशियो ज़्यादा है, ठीक है। तो ये जो कैपिटल अभी बताया ना, ये कौन से रेशियो में, कैपिटल के रेशियो में। यहाँ पे देखो अभी फिलहाल, अगर समझो तीन दो पार्टनर है ए और बी, इनका ऑलरेडी इनका रेशियो क्या है, समझो इक्वल है, समझो 1:1। इन लोग और इन लोग का पहले का कैपिटल कितना मालूम है, इसका कैपिटल है 50,000, इसका कैपिटल है 40,000, ठीक है। और मिस्टर सी को हमने क्या किया, एडमिट किया यहाँ पे, और उसको भी रेशियो क्या दिया, 1 दिया। तो और सी कितना कैपिटल लेके आ रहा है, समझो 20,000 रुपया। तो एक रेशियो के लिए अगर सी कितना लेके आ रहा है, 20,000 रुपया, तो बी का भी एक रेशियो के लिए कितना होना चाहिए, 20, बट इसका है कितना, 40 है ना। तो इसको 20,000 हम क्या करेंगे, रिफंड कर देंगे, या तो कैश में रिफंड, और इसको कितना रिफंड करेंगे, 30। तो अब ये कितना बचा, 20, ये भी कितना हो जाएगा, 20, और ये भी ऑलरेडी 20 है। तो यही हम लोग कैपिटल एडजस्टमेंट में करते थे। और ये क्या होएगा, ये जो बाकी के पैसे हैं इसका 20 होएगा ना, अच्छा रिफंड 30 होएगा, ये रिफंड है, ठीक है। और ये इनका कैपिटल जो हो गया, सब क्या हो गया, रेशियो में आ गया, आया समझे। ये क्या है, ओल्ड कैपिटल है पहले का, नया पार्टनर कितना लेके आया, 20। तो बाकी के भी पार्टनर्स का क्या होना चाहिए, 20-20 होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा। तो रिफंड हम लोग किस में करते थे, कैश और बैंक में रिफंड, पहला वाला। दूसरा किस में एडजस्ट किया था, बोला था ना एक्सेस कैपिटल या फिर शॉर्ट कैपिटल, किस में एडजस्ट होएगा, हाँ, या तो कैश और बैंक से एडजस्ट होता था, या तो फिर करंट अकाउंट या फिर लोन अकाउंट, तीन तरीके से कैपिटल को एडजस्ट करते थे ना। ये वही चीज़ है, वहाँ पे जो करते थे ना, वो लेजर में आपको समझा नहीं होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ है। क्या करते हैं हम लोग,
जो भी एक्सेस कैपिटल है तो उनको क्या रिटर्न कर देते हैं पैसे, या फिर उनके लोन अकाउंट में डाल देंगे या फिर करंट अकाउंट में। और अगर शॉर्ट गिरा, लेट इसका कैपिटल कितना है, 10,000 ही है ना, नया पार्टनर 20 लेके आ रहा है, तो सारे पार्टनर से कितना होना चाहिए, 20-20 होना चाहिए, क्योंकि रेशियो भी क्या है, सेम है ना। तो और पास्ट में ए का कैपिटल कितना था, खाली 10 ही था, तो ये घर पे से क्या करेगा, 10,000 और लेके आएगा, इसका कैपिटल क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। तो जिस पार्टनर का कैपिटल शॉर्ट हो जाता है वो पैसे और घर से लेके आएगा, और जिस कैपिटल का, जिस पार्टनर का कैपिटल एक्सेस है, बी का यहाँ पे क्या एक्सेस है, बी का कैपिटल कितना है 40, उसको कैपिटल चाहिए कितना 20, तो 20 उसको क्या हो जाएगा, रिफंड। और ए का कैपिटल कितना चाहिए, 20, बट ए का कैपिटल है कितना ओल्ड में, 10, तो वो 10,000 और घर से लेके आएगा। आया समझ में, ये माइनस होगा और ये 10,000 क्या होगा, प्लस होगा। समझ में आया कुछ? तो अभी यहाँ पे स्टेटमेंट देखो क्या लिखा हुआ है कि एक्सेस एक्चुअल कैपिटल, मतलब पहले जो कैपिटल था वो एक्सेस है ओवर प्रोपोर्शनेट कैपिटल, मतलब जो अभी प्रोपोर्शनेट कैपिटल मतलब रेशियो में जो कैपिटल आया उससे ओल्ड वाला जो कैपिटल है वो क्या है, एक्सेस है। तो इसका मतलब क्या होगा कि रिफंड करना पड़ेगा, है ना, आया समझे, या फिर सरप्लस कैपिटल उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सरप्लस कैपिटल। और लॉस कम हो जाएगा तो डेफिसिट कैपिटल, समझा। अगर पहले वाला कैपिटल क्या है, कम है प्रोपोर्शनेट कैपिटल से, तो उसको क्या बोलेंगे, डेफिसिट कैपिटल। तो ए का कितने से डेफिसिट था कैपिटल, 10,000 से। बी का कितने से एक्सेस था कैपिटल, 20,000। समझ में आया कुछ, इसीलिए ध्यान में रखो। अगला है, नेम ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स हैविंग अ वैल्यू, ऐसा एसेट्स जो कि इंटेंजिबल है, दिखता नहीं है लेकिन फिर भी उसमें क्या है, वैल्यू है, उसको क्या बोलते हैं, गुडविल। समझ रहे। उसके बाद अगला क्या है, अकॉर्डिंग अकाउंट विच इज डेबिटेड व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स कैश फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल, कल ही हम लोगों ने किया, कल जर्नल भी किया था ना हम लोगों ने, जब नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में लेके आएगा तो कौन सा अकाउंट, क्या एंट्री मारते हम लोग, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो गुडविल तो क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, जब नया पार्टनर कैपिटल लेके, सॉरी कैपिटल नहीं, गुडविल, गुडविल का पैसा लेके आता है, और क्या डेबिट होता है, कैश और बैंक। तो यहाँ पे क्या आएगा, कैश और बैंक अकाउंट आएगा। समझ में आया आंसर। फिर नेक्स्ट अभी क्या है, अकाउंट विच इज क्रेडिटेड व्हेन गुडविल इज विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स, जब गुडविल विथड्रॉ करते हैं, ये कौन सा केस है, सेकंड केस है। सेकंड केस में क्या होता है, देखो पहली एंट्री क्या होगी, गुडविल अकाउंट, सॉरी कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, क्योंकि गुडविल का पैसा आता है, फिर वो गुडविल हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो दूसरी एंट्री जो इसकी बनती है ना, वो क्या बनती है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, कौन सा पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट, कौन से रेशियो में, सेक्रीफाइस। तो देखो ओल्ड पार्टनर से क्रेडिट साइड में आप लिखते हो, फिर जब यही गुडविल का पैसा, तीसरी एंट्री, सेकेंड केस में तीन एंट्री होती है ना, यही गुडविल का पैसा जब पार्टनर्स क्या करते हैं, विड्रॉ करके लेके जाते हैं घर पे, है ना, तो पार्टनर्स अकाउंट क्या हो जाएगा, पार्टनर्स अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, और क्रेडिट क्या होगा, क्या लेके जा रहे हैं, पैसा। तो क्रेडिट क्या होगा, कैश और बैंक। देखो मैं बताता था, अगर गुडविल का पैसा आया तो गुडविल कैश और बैंक के डेबिट में, पार्टनर्स के क्रेडिट में, ये पहला केस है ना। और अगर गुडविल विड्रॉ किया तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में और कैश और बैंक के क्रेडिट में लिखते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अभी क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपेयरिंग ऑन एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस है ना, अगर एसेट साइड में है तो वो क्या होता है, पास्ट का लॉस होता है। समझे, एसेट साइड में अगर है प्रॉफिट एंड लॉस, आपको लगेगा कि सर एसेट्स में तो हम लोग इनकम लिखेंगे ना, इनकम की ऑलवेज कौन सी बैलेंस होती है, क्रेडिट, और एसेट्स में जो आइटम होते हैं ना वो सब डेबिट आइटम होते हैं, क्या समझे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अगर डेबिट में, तो याद रखो वो क्या है, लॉस है। और प्रॉफिट एंड लॉस अगर क्रेडिट साइड, मतलब लाइबिलिटी साइड में है, तो वो क्या होता है, ऑलवेज इनकम होता है, क्या समझ में, क्या होता है, इनकम होता है, कौन सा इनकम, अनडिस्ट्रीब्यूटेड इनकम। समझ में आया कुछ। तो यहाँ पे क्या होगा, क्या लिखा था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपेयरिंग ऑन एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, क्या होगा यहाँ पे, क्या लिखा है उन्होंने आंसर, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस, यस इट इज ट्रू, या फिर पास्ट के लॉस लिखोगे तो भी चलेगा, पास्ट लॉस। अच्छा आगे क्या, नाइन, अकाउंट विच इज ओपन
टू रिकॉर्ड द गेन्स एंड लॉसेस ऑन रिवैल्यूएशन. वो अकाउंट जो हम लोग देखो, जब नया पार्टनर जैसे घर में ना जब शादी होती है या फिर दिवाली रहती है तो क्या करते हैं, साफ सफाई करते हैं ना, रिवैल्यू करते हैं, रिनोवेट करते हैं. तो उसी तरह से जब नया पार्टनर आता है तो हम लोग क्या करते हैं, पूरा रिनोवेट करते हैं, रिन्यू करते हैं, मतलब सारे एसेट्स को रिवैल्यू करेंगे. रिवैल्यू करना मतलब जो एसेट्स का ओरिजिनल वैल्यू है उस पर दिखाने का. लेट मैंने क्या किया है, अभी तक मेरा कोई पार्टनर नहीं है मेरे बिजनेस में, तो अगर मेरा ये क्या है क्लासेस है, मैंने फर्नीचर समझो एक बेंच समझो 5,000 का लिया था आज के 8 साल पहले, तो मेरे बैलेंस शीट में अगर मैं डेप्रिसिएशन नहीं समझो चार्ज करता हूँ तो मेरे बैलेंस शीट में इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 5,000 ही रहेगी एक बेंच की, है ना. लेकिन अगर नया पार्टनर मैं बनाता हूँ तो मैं एसेट्स की वैल्यू फर्नीचर की वैल्यू 5,000 दिखाऊंगा तो मेरा पार्टनर एक्सेप्ट करेगा क्या? नहीं. क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू आज क्या हो गई होगी, कम हो गई होगी. तो जब नया पार्टनर आता है तो सारे एसेट्स को हम लोग क्या करते हैं, रीवैल्यू करते हैं. लाइबिलिटीज क्या करते हैं, रीवैल्यू करते हैं, है ना. आ समझे? तो उसके वजह से एसेट्स की वैल्यू क्या होती है, या तो कम होगी या तो क्या हो जाएगी, ज़्यादा होगी. तो कम होगी ज़्यादा होगी एसेट्स की वैल्यू, तो उसमें क्या होता है अपने को प्रॉफिट या लॉस. इसीलिए वो जो प्रॉफिट होता है वो किसको जाता है, ओल्ड पार्टनर्स को, और लॉस भी होता है तो किसको जाता है, ओल्ड पार्टनर्स को. हम लोग बांटते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में, हम लोग किधर किसको बांटते थे प्रॉफिट या लॉस, ओल्ड पार्टनर्स को. क्योंकि रिवैल्यू किया एसेट्स, फर्नीचर का मेरा वैल्यू 5,000 था, अभी रीवैल्यू किया इसका वैल्यू 3,000 हो गया, तो 2,000 का लॉस हो गया. तो नया पार्टनर उसमें शेयर करेगा क्या लॉस में? ऑब्वियसली नहीं करेगा, है ना, समझे ना. तो हम लोग कौन सा प्रॉफिट या लॉस फाइंड करने के लिए हम लोग कौन सा अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, या फिर क्या बोलेंगे उसका दूसरा नाम, रिवैल्यूएशन अकाउंट. ठीक है. अगला क्या है, अकाउंट विच इज ओपन टू रिकॉर्ड द गेन्स ऑन, ये हो गया ना, चेंज इन द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स. पार्टनर्स का रिलेशन अगर चेंज होता है तो उसको क्या बोलते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. ठीक है, पार्टनरशिप फॉर्म थोड़ी ना चेंज हो रहा है, पार्टनर्स के रिलेशन चेंज हो रहे हैं. आ समझे, फॉर्म को चेंज करना अलग होता है, उसी में पढ़ा है ना तुम लोग को. ठीक है, कलेक्टिवली पार्टनर्स को क्या बोलते हैं, फॉर्म, और इंडिविजुअल पार्टनर को क्या बोलते हैं, पार्टनर्स. आ समझ में? ठीक है, तो चेंज इन रिलेशन बिटवीन पार्टनर्स क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म. इसके लिए तुम लोग है ना एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर अगर देखोगे ना तो सबके पहले नाम क्या लिखा होगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म. आपका चैप्टर इस तरह से होगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, ब्रैकेट में क्या लिखा होगा, एडमिशन, फिर ब्रैकेट में लिखा होगा रिटायरमेंट, और फिर क्या लिखा होगा, डेथ. समझ गए, ये चैप्टर है. एक्चुअली तुम लोग का चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर नहीं है, एक्चुअली क्या है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. उसमें 3 केस होते हैं, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ. ठीक है, तो ये हो गया रिकॉन्स्टिट्यूशन. अगला देखो अभी क्या, अकाउंट डेबिटेड व्हेन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी इज ब्रॉट इनटू बिजनेस. लायबिलिटी जो रिकॉर्ड नहीं किया था, तो नया पार्टनर तो रिकॉर्ड करोगे ना, तो लायबिलिटी रिकॉर्ड कर रहे हो तो लायबिलिटी अच्छी बात या बुरी बात? बुरी बात है. तो आपके लिए क्या है, प्रॉफिट है कि लॉस है? लॉस है ना. तो कौन सा अकाउंट डेबिट करते हो आप, रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं. रिवैल्यूएशन के देखो डेबिट साइड में लिखते हैं, और लायबिलिटी आप रिकॉर्ड करो तो लायबिलिटी खुद क्या होती है, क्रेडिट होती है. लायबिलिटी ऑलवेज कौन सा बैलेंस दिखाता है, क्रेडिट बैलेंस दिखाता है. तो लायबिलिटी क्रेडिट होगा और डेबिट क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा. या फिर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट लिखेगा तो भी चलेगा, वही है क्या आंसर. हाँ, अगला क्या, व्हेन गुडविल इज विदड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स डैश अकाउंट इज क्रेडिटेड. अभी बताया था ऊपर, जब गुडविल का पैसा लेके जाएंगे तो कौन सा अकाउंट डेबिट क्रेडिट करेंगे, कैश और बैंक. देखो तो आंसर सही है क्या, यस. अगला क्या है, एक्सेस ऑफ प्रोपोर्शनेट कैपिटल. प्रोपोर्शनेट कैपिटल क्या है, ज्यादा है. प्रोपोर्शनेट कैपिटल मतलब ये, और एक्चुअल कैपिटल क्या है, कम है. ये बता था ना एक एक केस में, एक्चुअल ये क्या है, तो एक्चुअल कैपिटल ए का कितना है, 10,000, और प्रोपोर्शनेट कैपिटल उसको कितना चाहिए, 20, यानी उसका कैपिटल क्या है, डेफिसिट. कौन सा कैपिटल है, डेफिसिट, बताया था ना पहले ही. ठीक है, ओके, तो ये क्या आएगा, डेफिसिट कैपिटल इसका राइट आंसर होगा. द प्रोपोर्शन इन विच ओल्ड पार्टनर्स मेक सेक्रीफाइस इज कॉल्ड डैश रेशियो. ऐसा प्रोपोर्शन जिसमें ओल्ड पार्टनर्स क्या करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, उसको कौन सा रेशियो बोलते हैं, सेक्रीफाइस रेशियो.
फिर अगला है जय विजय अजय आर थ्री पार्ट, देखो इससे से आ सकता है आपको न्यू रेशियो कैलकुलेट करने आ सकता है या फिर कभी गुडविल कैलकुलेट करने आ सकता है। फिर ये पढ़ा था हमने बिल ऑफ एक्सचेंज, उसमें ड्यू डेट कैलकुलेट करने के लिए आ सकता है कि बंदे ने सेल किया ठीक है मिस्टर सो एंड सो को ठीक है इस डेट पे 3 महीने का बिल बना तो इसका ड्यू डेट क्या होएगा, उसके ऑप्शन रहेंगे एग्जाम में, तो ड्यू डेट कैलकुलेट करना मैंने बताया हुआ आपके लिए है ना। ओके तो यहाँ पे देखो जय विजय और अजय आर थ्री पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन 3:2:1 दे डिसाइडेड टू एडमिट संजय ठीक है। यहाँ पे चौथा पार्टनर आ रहा है और चार पार्टनर का रेशियो कैलकुलेट करना अभी तक उन्होंने सीखा नहीं है, वैसे ही जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे यहाँ पे। अभी देखो तो नया रेशियो क्या होगा, दे डिसाइडेड टू एडमिट संजय एंड गिव हिम 1/7 शेयर न्यू प्रॉफिट इन रेशियो ऑफ द पार्टनर विल बी, तो देखो ओल्ड रेशियो पहले लिख लो, तो ये तुम लोग को प्रॉपर कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओल्ड रेशियो क्या 3:2:1 किसका किसका है जय विजय और कौनसा जय अजय अजय और नया पार्टनर कौन है संजय, संजय का शेयर कितना 1/7 है ना, 1/7 मतलब 7 में से 1 रुपया किसको जाएगा संजय को, तो बचा कितना 6 रुपया। देयरफॉर बैलेंस फॉर सिक्स अपॉन सेवन कहाँ से मालूम पड़ा ना, हमारे क्या बताता है यही आपको हेल्प करेगा क्या कैलकुलेट करने के लिए न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के लिए। तो देयरफॉर न्यू रेशियो इज इक्वल टू व्हाट बैलेंस रेशियो इनटू ओल्ड रेशियो बराबर ना, मुझे तो पता है डायरेक्टली देखो 3 और 2 5 और 1 6 और नया पार्टनर है उसको कितना उसको आया तो वो आया तो टोटल कितना हो गया 7 यानी उसको कितना दिया 1, तो रेशियो क्या हो जाएगा 3:2:1:1 डायरेक्ट भी कर सकते हो लेकिन जरूरी नहीं कि तुक्का हर जगह पे सही ही हो, अगर यहाँ पे 8 होता तब क्या करते, ये टोटल देखने का 3:2:1 कितना होता 6 हो रहा है ना और अगले पार्टनर को कितना दिया 8 तो यहाँ पे ना 2 मत कर देना रॉन्ग हो जाएगा 6 और 2 8 है ना समझे ना 3 2 5 1 6 और 2 8 ऐसे मत करना। हाँ अगर 7 है तो ठीक है तो इसको क्या कर दोगे ठीक है। तो फिलहाल देखो अभी न्यू रेशियो पहले किसका निकालोगे जय को, जय का बैलेंस रेशियो क्या है 6/7 इंटू ओल्ड रेशियो क्या बोलो 3/6 तो 6 3 18 और 7 6 42 फिर कौन है विजय, विजय को भी बैलेंस रेशियो कितना है 6/7 सबके लिए सेम ही आएगा बैलेंस रेशियो, ओल्ड रेशियो क्या 2/6 6 6 2 12 और 7 6 42 फिर कौन है अजय, सिक्स सेवन अजय का ओल्ड रेशियो क्या है 1/6 ना 6 1 जा ठीक है। अब संजय का क्या है संजय को कितना है 1/7 तो या तो ये सब डिनोमिनेटर जितने भी है ना इसके डिनोमिनेटर सब 42 है तो ये 42 को 7 तक लेके आओ या फिर 7 को क्या करो 42 करो, तो देखो ये सॉल्व हो रहा है क्या होएगा 6 3 जा और 6 7 जा 6 2 जा 6 7 जा 6 1 जा 6 7 जा तो सबका रेशियो क्या आ रहा है देयरफॉर सब में 7 आ गया नीचे इसमें भी 7 है देयरफॉर न्यू रेशियो इज इक्वल टू व्हाट 3:2:1:1 आया ना, बोला ना डायरेक्ट भी कर सकते थे समझे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 3:2:1 सी। ओके नेक्स्ट अभी देखो आकाश प्रकाश दीपक
our partners who share profit in the ratio of 3:2:1, they admit Suraj as a partner and decided to share future profits 5:3:2:2, the sacrifice ratio will be. तो मैंने क्या बोला था, अगर ओल्ड रेशियो दिया है न्यू रेशियो नहीं दिया है तो सेक्रीफाइस रेशियो ही क्या होगा, सॉरी ओल्ड रेशियो क्या होगा सेक्रीफाइस, बट यहाँ पे तो न्यू रेशियो दिया है ना, तो न्यू रेशियो में से सेक्रीफाइस रेशियो कैसे निकालते हैं, सेक्रीफाइस कैसे निकालते बोलो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, सेक्रीफाइस कौन करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स ना, तो ओल्ड पार्टनर्स में पहले कौन है, आकाश, आकाश का ओल्ड रेशियो क्या बताओ, 3/6 है ना, 3+2+1 टोटल कितना होगा, 6 होगा ना, ठीक है, और नया जो रेशियो कितना है, 5/12 चेक करो देखो, ठीक है, तो ये 12 है तो इसको भी 12 कर लो, तो इसको 12 करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, तो ऊपर भी 2 से, तो 2 3 6 और 2 6 12, ठीक है, अब यहाँ पे भी 12 हो गया, यहाँ पे भी 12 हो गया, 12 कॉमन हो गया, और ऊपर वाला वैल्यू क्या होगा, माइनस 14 कौन क्या आएगा, 12, फिर आकाश के बाद कौन है, प्रकाश, प्रकाश का रेशियो क्या है, 2/6, और नया रेशियो क्या है, 3/12, इसको वापिस से 12 करोगे तो 2 6 और 2 2 जा क्या होगा, 4 3 2 6 12, तो 12 कॉमन हो गया, ये भी क्या रहा, 1/12, फिर कौन से भाई हैं, दीपक भाई, दीपक, ठीक है, नया रेशियो इसका, ओल्ड रेशियो क्या 1/6, न्यू रेशियो क्या 2/12, है ना, अब इसको 12 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 1 जा क्या होगा 2, और 2 6 जा क्या होगा 12, तो 12 12 कॉमन हो गया, 2 2 0, तो किसने सेक्रीफाइस नहीं किया, दीपक भाई ने सेक्रीफाइस 0 किया, मतलब नहीं किया, तो सेक्रीफाइस किसने किसने किया, आकाश और प्रकाश, आकाश और प्रकाश, तो इनका सेक्रीफाइस रेशियो क्या होगा, 1:1 आया ना, तो अगर नया पार्टनर गुडविल जो भी लाएगा, समझो नया पार्टनर गुडविल 20,000 लेके आ रहा है, तो आकाश को कितना जाएगा, 10,000, और प्रकाश को भी कितना जाएगा, 10,000, दीपक भाई को कुछ नहीं मिलेगा, बिकॉज उसने कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं किया, समझ में आया, इस तरह का सम अभी तक तुम लोगों को मैंने जो कराया नहीं है, कब करेंगे, ठीक है, मार्च में कर रहे हैं ना, ओके आगे देखो अभी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 1:1:0, ए वाला ऑप्शन जो है ना वो, द डैश रेशियो इज यूजफुल फॉर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर गुडविल अमंग द ओल्ड पार्टनर्स, गुडविल का एडजस्टमेंट करने के लिए कौन सा रेशियो यूजफुल होता है, सेक्रीफाइस, 3 रेशियो होते हैं ना, ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो और सेक्रीफाइस, तो ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो तो गुडविल एडजस्ट करने के लिए नहीं यूज होता है, कौन सा होता है, सेक्रीफाइस ही होता है ना, फिर आगे क्या है, कृष्णा बलराम हु आर इक्वल पार्टनर्स एडमिट अर्जुन इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी, ठीक है, अगर इक्वल है और नए पार्टनर को 1/4 के लिए किया है तो नया रेशियो क्या होगा, ठीक है, ये कैलकुलेट कर सकते हो तुम लोग ना, अभी सीखा है ना, ये तुम लोग घर पे करना, ये तुम लोग के लिए होमवर्क है, आंसर में तो 3:3:2 दिया है, अभी देखो तुम लोग क्या करना है, घर पे कैलकुलेट करना, ठीक है, अगला क्या, इफ एनी एसेट्स इज टेकन ओवर बाय पार्टनर्स फ्रॉम द फर्म डैश अकाउंट विल बी डेबिटेड, कोई भी एसेट्स अगर पार्टनर लेके जाता है पर्सनल यूज के लिए तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, ऑब्वियसली पार्टनर्स कैपिटल, कौन सा कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर द प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और लायबिलिटी इज शेयर्ड बाय डैश पार्टनर, जो रिवैल्यूएशन करते हैं उसका जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो कौन बांटता है आपस में, ओल्ड पार्टनर्स बांटते हैं, तो इसमें से तुम लोग देखोगे ना तो बहुत से आंसर है ना, तुम लोगों को क्या हो गया, वो जो चैप्टर्स उन्होंने किया है उसमें से ही तुम लोगों को आगे रहेगा,
है ना. ओके नेक्स्ट अभी क्या ट्रू और फॉल्स कर लेते हैं. When goodwill is paid privately, no entry in the books of account is required. Yes, it is true. ये कौन सा केस है? तीसरा केस है. मैं बोलता हूँ ना तीसरे केस से एंट्री नहीं आता है. ये सब गुडविल के केस कहाँ पे? पेज नंबर 80 पे चेक कर लो. ओके नेक्स्ट अभी क्या है? द गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर इज शेयर्ड बाय ओल्ड पार्टनर्स. यस इट इज ऑल्सो ट्रू. ठीक है गुडविल जो नया पार्टनर लेके आता है वो कौन बांट के लेता है? ओल्ड पार्टनर आपस में बांट लेते हैं. कौन से रेशियो में? सैक्रिफाइस रेशियो में. मैं जब बोलता हूँ ना ओल्ड रेशियो सैक्रिफाइस रेशियो होगा तो इसका मतलब वो कौन सा रेशियो बोल रहा हूँ? सैक्रिफाइस रेशियो बोल रहा हूँ. समझ में आया? अच्छा अगला क्या है? गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर इज शेयर्ड बाय ऑल पार्टनर्स. फॉल्स. गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर इज नॉट शेयर बाय ऑल पार्टनर्स, इट्स शेयर बाय ओनली ओल्ड पार्टनर्स. समझ में आया? ऑल लिखा है इतने से तुम लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है और रॉन्ग हो सकता है तुम लोगों का आंसर. तो फिलहाल इसका आंसर क्या है? फॉल्स है. प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स ऑन एडमिशन ऑफ पार्टनर्स. यस इट इज ट्रू. प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है रिवैल्यूएशन पे वो हम लोग किसको बांटते हैं? ओल्ड पार्टनर्स को. ओल्ड रेशियो में याद रखो. न्यू पार्टनर मस्ट पे हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश ओनली. इट इज नॉट ट्रू. ठीक है क्या समझ में? नया पार्टनर गुडविल का पैसा सिर्फ कैश में ही लाना चाहिए, ये जरूरी है क्या? वो चेक से भी पे कर सकता है, वो कोई एसेट्स भी ला के दे सकता है. कल जैसे कि कैपिटल में क्या था, इक्विपमेंट लेके आना तो वो कैपिटल था, तो गुडविल भी उसी तरह से क्या कर सकता है वो. ठीक है. अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इन द फर्म फॉर गेटिंग एडिशनल कैपिटल एंड स्किल. ठीक है. यस इट इज ट्रू. पार्टनर को हम लोग क्यों एडमिट करते हैं? दो रीजन होते हैं, या तो हमसे बिजनेस मैनेज नहीं हो रहा है इसके लिए पार्टनर लेके आते हैं, या फिर क्या कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, बिजनेस को एक्सपांड करना है तो. ठीक है. ओके कहाँ तक हुआ था? न्यू पार्टनर मस्ट. सिक्स तक हो गया ना. सिक्स का आंसर क्या आया? ट्रू. उसके बाद क्या? सेवन. द क्रेडिट बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट मीन्स लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट. अगर रिवैल्यूएशन में क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस मतलब क्रेडिट साइड का टोटल अगर ज्यादा है तो लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा? प्रॉफिट होगा. तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स. फिर अगला क्या है? इफ द गुडविल अकाउंट रेज्ड अप, गुडविल अकाउंट इज डेबिटेड. यस इट इज ट्रू. ठीक है. गुडविल अगर रेज किया फॉर्म का तो हम लोग क्या करते? देखो नया पार्टनर गुडविल का पैसा लाया तो हम लोग क्या एंट्री मारते? कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल. और गुडविल रेज किया पूरे फॉर्म का, पहला दो केस में देखोगे ना तो गुडविल क्या है? क्रेडिट है. और लास्ट के दो केस में देखोगे जब रेज करते हैं तो उसमें क्या है? गुडविल डेबिट है. तो गुडविल जब रेज करते हैं तो क्या होता है? डेबिट होता है. ये चीज़ याद रखो. ठीक है. और गुडविल रेज करके राइट ऑफ नहीं किया तो कहाँ पे अपीयर होता है? बैलेंस शीट में. और राइट ऑफ किया तो कहाँ होता है? पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में. ऑल पार्टनर्स कौन सा रेशियो? न्यू रेशियो. ठीक है. ओके नेक्स्ट अभी क्या है? व्हेन गुडविल इज रिटन ऑफ. आठवां ही पढ़ना है, नौवां ही पढ़ना है. व्हेन गुडविल इज रिटन ऑफ, गुडविल अकाउंट इज डेबिटेड टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. व्हेन गुडविल इज रिटन ऑफ, जब गुडविल राइट ऑफ करते हैं तो गुडविल अकाउंट को डेबिट करते हैं. यह सभी बताया मैंने कि गुडविल को रेज करते हैं तो गुडविल को डेबिट करते हैं, जब राइट ऑफ करेंगे तो उसको क्या करेंगे? क्रेडिट. अब वैसे भी पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में लिखते हो तो पार्टनर्स का कैपिटल डेबिट होता है, गुडविल क्या होता है? क्रेडिट. गुडविल के लिए आप क्या लिखते हो? टू लिखते हो ना, तो टू मतलब क्या? क्रेडिट. तो गुडविल अकाउंट क्या होता है? क्रेडिट होता है. ठीक है. और वो कौन से रेशियो में हम लोग राइट ऑफ करते हैं? न्यू रेशियो में. यस इट इज ट्रू. बता ना अभी न्यू रेशियो में करते हैं. अगला क्या है? ऑन एडमिशन ऑफ पार्टनर द अकाउंट, सो द अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट इन कैश इज क्रेडिटेड टू गुडविल अकाउंट. यस इट इज ऑल्सो ट्रू. ये भी अभी की एक्सप्लेनेशन में आया कि जब नया पार्टनर गुडविल का पैसा लेके आता है स्टार्टिंग के दो केस में तो गुडविल क्या होता है? क्रेडिट होता है. समझ में आया कुछ? ठीक है.